तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बेल्ट वाला ब्लाउज बनाना सिखाता हूँ। और उसका नाप ये है, जो कि लंबाई है 15.5। चेस्ट है 25, कमर है 19.5, और आस्तीन की लंबाई 6 इंच है, और मोहरी 15 इंच है, और आर्मोल 10। बेल्ट वाला ब्लाउज है जो कि मैं आज आपको कटिंग सिखाता हूँ इसकी। इसकी लंबाई हम 15.5 रहती तो हम 16 रख लेंगे, आधा इंच तब आपके लिए। 6 इंच आर्मोल से काट देंगे, और यहाँ से प्लेट का निशान है 10.5, यहाँ से बेल्ट का निशान है। इधर से हम 4 इंच रखेंगे, 2 इंच इधर रखेंगे, 2 इंच इधर से। गले का फैलाव 3 इंच रखेंगे, और ऐसे में 2.5 इंच, 5.5 इंच तीरा आ जाएगा। यहाँ से हम सीधा निशान आर्मोल के लिए लेंगे। इधर से नापेंगे, हम निशान लगाएंगे कमर का, जे वाला, चेस्ट का, जे आर्मोल वाली प्लेट पड़ गई। ये हमारा गला है 7 इंच, गोल गला। ये रहा बेल्ट का निशान हमारे। यहाँ नाप लिख लेते हैं, इससे हमें बार बार देखना नहीं पड़ेगा। तो ये रहा, कटिंग कर लेते हैं। ये बेल्ट हमने काट दी, अलग कर दी पहले ही। ये हम निकाल रहे हैं यहाँ से बैक। नीचे हम सिलाई वाली रखेंगे, इसलिए हमने पूरा मार्जिन रख रखा है ऐसे ही। ये हम कपड़ा काट रहे हैं, अस्तर तुम्हारा कट गया। ये पहले बेल्ट निकाल लेते हैं हम सीधी सीधी। थोड़ा मार्जिन हम दूर से इसलिए काटते हैं कि बाद में जब जमाते समय हमें कोई दिक्कत ना आए, बाद में हल्का हल्का छांट देंगे इसे। अब यहाँ से निकालेंगे हम बैक। जी, हमारी बैग रही। बैग भी काट देते हैं वैसे ही, थोड़ा सा मार्जिन बढ़ा के काटते हैं इससे, इसे भी जमाने में आसानी रहे। अब इसमें से हम आस्तीनें निकालते हैं। ये रही हमारी स्लीव्स, जो कि 6 इंच तैयार है। इसमें थोड़ा कपड़ा कम पड़ रहा है, तो इसमें थोड़ा सा जोड़ डालना पड़ेगा हमें साइड में, जो कि हम पीछे की साइड डाल देंगे जोड़।
और ये हम आस्तीन निकाले रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे कटिंग करना। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, जिससे